वेल हेलो एंड वेलकम टू आवर आईपीएल प्रीव्यू शो जिसका नाम है हु विल विन विद दीनिया कामिल जी। हाँ, जहाँ हम बात करते हैं उन टीम्स के बारे में जो आईपीएल सीजन 2020 में अपने अगले मुकाबले में आमने सामने होने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक नहीं बल्कि दो मैचेस की, क्योंकि सैटरडे को होता है डबल एडर। जी हाँ, इसी के साथ आज हम बात करेंगे मैच 51 एंड 52 की, और इसके लिए हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित। रोहित, एक तरफ है मुंबई इंडियंस जो क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए, वहीं दूसरी तरफ है दिल्ली जो इस मैच को जीतकर क्वालिफाई करने के अपने चांसेस को हाई करना चाहेगी। तो क्या लगता है क्या होने वाला है इस मैच में? जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स नीड टू रीच दैट मैजिक नंबर 16 पॉइंट्स जहां पे मुंबई इंडियंस बैठे हुए, क्योंकि अगर 16 पॉइंट्स तक पहुंच गए फिर फिफ्थ प्लेस केकेआर को उन तक पहुंचने का, पॉइंट्स के हिसाब से उन तक पहुंचने को इम्पॉसिबल बन जाएगी, क्योंकि केकेआर के पास सिर्फ एक मैच बचा हुआ है, वो मैक्सिमम दो पॉइंट ले सकते हैं उस मैच में से। डीसी का फॉर्म काफ़ी ही अजीब तरीके से फॉर्म चला गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट किया था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द लीग लग रहा था फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन, एंड देन एंड में जाके थोड़ा सा लिंप करने लग गए हैं, थोड़ा सा मैचेस लूज करने लगे, अपना फॉर्म लूज करने लग गए। तो दे जस्ट नीड टू कीप देयर माइंड इन इट, इट्स क्वाइट सिंपल, दे विन द गेम, दे थ्रू। रोहित, पिछला मैच जो इन दोनों टीम्स ने आमने सामने खेला वो हुआ था मुंबई इंडियंस के नाम, क्या लगता है इस बार डीसी करेगी पलटवार? जी हाँ, पिछला मैच तो मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सी विन हो गई थी, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया था 162 for 4 एंड मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव एंड डिकॉक ने बेसिकली उनको मैच जिता ही दिया आराम से। दे वन विद जस्ट 2 balls रिमेनिंग, लेकिन काफ़ी आराम से थे वो लोग, एकदम धीमे से खेले थे, अपना टाइम लेके खेलते रहते वो, इसमें थोड़ी सी वन साइडेड सी मैच हो गई थी वो। लेकिन दिस टाइम दिल्ली कैपिटल्स वुड बी लुकिंग फॉर मोर, मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली वो थ्रू हो चुके हैं, शायद वो अपनी टीम के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करे, थोड़ा सा जो बेंच वार्मर्स है उनको चांस दे दे, और ये सब की वजह से दिल्ली कैपिटल्स को एक चांस मिल सकता है। लेकिन ऑफकोर्स ये भी एक बात है कि मुंबई इंडियंस विल बी केयरफुल, वो थ्रू हो चुके हैं लेकिन दे विल वॉन्ट टू स्टे इन साइड द टॉप टू, क्योंकि अगर ऐसा ना हो फिर उनको एक एक्स्ट्रा मैच खेलना पड़ेगा प्ले ऑफ में। सो व्यूअर्स, आई नो यू आर वेटिंग फॉर प्रेडिक्शंस, आपको प्रेडिक्शंस चाहिए, आप वो देखने के लिए मेरे शो पे आए हैं, आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, मी एंड रोहित विल गेट ऑन टू दैट पॉइंट, बट उससे पहले हम देखेंगे दोनों ही टीम्स को। रोहित, मुंबई इंडियंस जीत कर आ रही है अपना पिछला मैच, तो वहीं दिल्ली ने हारे हैं अपने पिछले 3 मुकाबले लगातार, क्या कहना है, कितना प्रेशर जो है वो दिल्ली महसूस करेगी इस मैच में स्पेशली? दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर प्रेशर तो रहेगा ही, वो तो कोई डाउट नहीं, ये हाई प्रेशर गेम है, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम राइट नाउ इन दिल्ली कैपिटल्स का एंटायर लीग स्टेज। उनको जो वरीसम बात होगी वो ये है कि उनका जो पिछले 3 defeat है लगातार वो ज़्यादा हैवी होते जा रहे थे। हमने देखा कि पहला मैच जो है इस रन में KXIP से वो 5 wickets से हारे थे, उसके बाद वो अगले मैच जो है 59 run से हारे थे, और उसके बाद जो लेटेस्ट डिफीट है SRH के अगेंस्ट वो 88 run से हारे थे, वो मतलब एकदम पूरी तरीके से आउटप्ले हो चुके थे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था उस मैच में। तो दिल्ली कैपिटल्स इस तरीके का फॉर्म से आ रहे हैं इस मैच में, देन अगेन दे आर अ वेरी वेल राउंड ऑफ टीम, हम देख रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 matches में, दे विल बी अंडर प्रेशर नो डाउट, एंड हु नोज़ मे बी बिकॉज दैट प्रेशर वील सी द बेस्ट ऑफ देम अगेन। एक तरफ है रबाडा विद हु इज द लीडिंग विकेट टेकर विद 23 wickets, तो वहीं दूसरी तरफ है बुमराह जस्ट उनके पीछे, जो बिल्कुल उनके पीछे चल रहे हैं विद 20 wickets, क्या लगता है इस मैच में कौन इंप्रेस करने वाला है? जी हाँ, कगिसो रबाडा पूरे सीजन काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन उनका पिछला मैच जो है वो पहला मैच था 25 मैचेस में कि वो एक विकेट ले नहीं पाए, वो दैट्स ऑलमोस्ट एज मच अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम एज मच एज एन इंडिक्टमेंट ऑफ व्हाट अ पुअर डे ही हैड अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। 25 मैचेस में पहली बार, 25 मैच का स्ट्रीक था उनका कि वो विकेट लेते जा रहे थे। उस मैच में तो काफ़ी ही ख़राब हो गई थी उनकी परफॉर्मेंस, स्पेशली एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ओवर, लास्ट ओवर में उन्होंने ज़्यादा रन दिए नहीं और इसकी वजह से SRH शायद 250 के आसपास स्कोर नहीं बना है। ही सर्टनली विल बी लुकिंग टू प्रूव अ पॉइंट, जसप्रीत बुमराह तो है ही, वो तो सुपरस्टार परफॉर्मर है MI के लिए, उस तरीके के स्ट्रीक में तो गए नहीं कभी भी रबाडा की वजह से कि 25 matches विद अ विकेट और समथिंग लाइक दैट, लेकिन जब विकेट लेते नहीं तो रन देते नहीं है, ही इज अ वेरी डिफिकल्ट बॉलर टू फेस। रबाडा विल बी लुकिंग टू प्रूव अ पॉइंट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मैट्स, सो ही विल बी लुकिंग टू प्रूव अ पॉइंट अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द लीग। तो ये तो हुई रबाडा धवन जैसे प्लेयर्स की बात, तो इसी के साथ फटाफट से नजर डालेंगे स्टार प्लेयर्स पर।
according to you will be the top scorer and top wicket taker in this match? Very difficult to pick एक batsman जो अच्छे से perform कर सकते हैं. दोनों teams में काफ़ी अच्छे performers हैं. Obviously Delhi Capitals के batsmen apart from शिखर धवन काफ़ी लोग अच्छे से perform नहीं कर पाए in the recent matches. मुंबई इंडियंस में तो सूर्य कुमार यादव ने मतलब ही took Twitter by storm, of course. उनके attitude से against Royal Challengers Bangalore, you can expect him to keep on performing. दिखाना चाहते हैं वो इंडियन टीम को कि वो क्या मिस कर रहे हैं. सो आई एम श्योर देर विल बी सम एड्रेनलिन फ्लोइंग थ्रू हिज वेंस. देर इज ऑल्सो हार्दिक पांड्या भी है, अच्छे से परफॉर्म किए थे पिछले मैच में. तो काफ़ी सारी अच्छी बैटिंग टैलेंट है दिल्ली कैपिटल्स में. देर श्रेयस अय्यर ऑफकोर्स, लेकिन आई थिंक इफ आई हैव टू पिक वन बैट्समैन प्रॉब्ली शिखर धवन, बिकॉज उनके दो बैक टू बैक सेंचुरीज थे, दैट दे वर ऑसम सेंचुरीज रियली. वन ऑफ दोज सेंचुरीज केम अगेंस्ट अ वेरी डिफिकल्ट बॉलिंग लाइनअप. उनकी पूरी टीम अलग पिच पे परफॉर्म कर रहे थे ऐसा लग रहा था. तो सर्टनली आई विल बी पिकिंग शिखर धवन, बट देन अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. बॉलर्स के मामले में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बॉलर्स तो वन ऑफ द बेस्ट, देव गॉट टू ऑफ द बेस्ट bowling lineups in the league. But I guess let's go for Jasprit Bumrah, because काफ़ी consistent performer है, बहुत ही dangerous performer है. Delhi Capitals का top order जो है वो थोड़ा सा shaky लगा है जब वो matches हार रहे थे, and एक shaky top order is just what Jasprit Bumrah looks for. He bowls those opening overs, yorker पे yorker फेंकते हैं, and अगर batsman out of form है फिर उनके पीछे विकेट बचा नहीं रहेगा. तो जसप्रीत बुमराह I'm going for. So viewers, it is that time जब आपको predictions पता चलेंगे, क्योंकि मैं put करने वाली हूँ रोहित के आगे वो mega question जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं. जी हाँ रोहित, this is the mega question of our show. Match 51, Mumbai versus Delhi, किसकी बाजी होने वाली, किसके नाम होने वाला है ये match, who will win? Well, Delhi Capitals, they have a lot of motivation going into this match, but Mumbai Indians have the form, they have the strength. Almost every match prediction Mumbai Indians ka agar match ho to main Mumbai Indians ke bare mein bolta hu. I go for Mumbai Indians always. Likewise, I'm going to do the same here. I'm going for Mumbai Indians. बहुत ही अच्छी टीम है, यू नो यू कांट रियली थिंक दे विल लूज अगेंस्ट एनीवन. अगर ऐसा कुछ हो देन इट विल बी अ बिट ऑफ अ सरप्राइजिंग रिजल्ट, बट यू नो एज आई ऑलवेज से IPL इज फुल ऑफ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, सो एनीथिंग कैन हैपन, बट आई एम गोइंग फॉर मुंबई इंडियंस. आपकी जानकारी के लिए बता दूं व्यूअर्स की ये जो डेटा है, जो एनालिसिस है, जो हम आप तक लेकर आते हैं, INS की टीम आप तक लेकर आती है, ये आती है एक बड़ी मेहनत के बाद. जी हाँ, INS में काम करने वाले बहुत सारे लोग इन डेटास पर हर वक्त नज़र बनाए हुए हैं. हर डेटा को बारीकी से एनालाइज करने के बाद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लाते हैं ये प्रोडिक्शन आप तक. तो इन प्रोडिक्शन के साथ आगे बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप INS के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें. मैच 52 के बारे में बात करते हैं, बैंगलोर और हैदराबाद के बीच में होने वाला ये मैच. उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि डेल स्टेन ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया RCB के लिए, क्या लगता है विल वी सी हिम इन द प्लेइंग 11? वेल डेल स्टेन, ही इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, 37 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं. एंड ऊपर से ये भी बात है कि डेल स्टेन कभी भी IPL में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पाए. ही इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम. हम इंडियन फैंस को तो काफ़ी अच्छे से याद होगा उनका टेस्ट एक्सप्लॉइट्स. इंडिया में आके उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ इंडियन बैट्समैन को नचाया था अपने धुन में. लेकिन इन दिस ऑब्वियसली इन दिस सीजन ऑफ द IPL वो ठीक से स्ट्राइक नहीं कर पाए हैं. इट वुड हैव बीन अ बिट ऑफ अ सरप्राइज इफ ही डिड दैट, बिकॉज यू नो ही इज़ क्वाइट ओल्ड, काफ़ी इंजरीज हो गए हैं उनको पिछले कुछ मैचेस में. इस मैच में शायद वो इसरो उडाना के पास वापस चले जाए RCB, क्योंकि डेल स्टेन के लिए कंडीशंस, विराट कोहली एटलीस्ट थॉट दैट डेल स्टेन के लिए पिछले मैच में कंडीशंस परफेक्ट थे, लेकिन वो ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं. तो दे माइट गो फॉर इसरो उडाना. और दो वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो या ना कर रहे हो, क्रिकेट फैंस एनी वेयर वुड लव टू वॉच डेल स्टेन बोल एज मच एज ही कैन, वेदर ही इज परफॉर्मिंग बैड और गुड. बट देन RCB नीड टू विन दिस मैच, वो इस रोडाना के पास जा सकते हैं. रोहित, अभी भी RCB जो है AB डिविलियर्स, पडिक्कल एंड कोहली पर हेविली डिपेंडेंट नजर आती है अपनी बैटिंग के लिए. क्या लगता है व्हेन दे फेसिंग अ पोटेंट बॉलिंग लाइनअप लाइक ऑफ SRH, विल दे स्कोर बिग, कैन दे स्कोर बिग इन दिस मैच अगेन SRH? Well, RCB actually they've got a very good chance of using the power play overs quite well, क्योंकि SRH के पास bowlers ऐसे हैं, काफ़ी अच्छे bowlers हैं, लेकिन वो
इंटरनेशनल लेवल के बोलर्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स द फैंटास्टिक राशिद खान. उनके जो फास्ट बोलर्स हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं या तो आईपीएल में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं संदीप शर्मा जैसे प्लेयर्स, लेकिन इंडियन टीम में ऐसे ब्रेकआउट नहीं कर पाए, इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है. तो गाइज लाइक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ये लोग इन पावर प्ले ओवर्स में दे कैन यूटिलाइज दैट, क्योंकि यू नो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल बैट्समैन एंड डोमेस्टिक लेवल बॉलर्स में. लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम होगी, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरसीबी टू यूज दोज पावर प्ले ओवर्स, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली डेविड वॉर्नर विल ब्रिंग इन राशिद खान आफ्टर द पावर प्ले ओवर्स, एंड राशिद खान के अगेंस्ट स्कोर करना तो मतलब इफ दैट हैपन्स यू नो दैट्स ओनली बिकॉज राशिद खान इज हैविंग अ बैड डे, नो बैट्समैन कैन रियली आउट थिंक हिम. तो पावर प्ले ओवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉप थ्री में आरसीबी डिपेंड करते हैं जैसे आपने कहा, एंड दिस कैन एक्चुअली टर्न टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि अगर वो लोग अच्छे से परफॉर्म किए फिर वो पावर प्ले ओवर्स को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. मैच को फर्दर डिस्कस करेंगे और डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे मैं और रोहित मिलकर आप ही के लिए, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे दोनों ही टीम्स पर. एसआरएच अभी अभी जीत कर आई है अपना पिछला मैच दिल्ली कैपिटल से, वहीं आरसीबी अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है मुंबई इंडियंस से. क्या लगता है कितने प्रेशर में होगी इस मैच में आरसीबी? Well, आरसीबी बिल्कुल डीसी की तरह, उनको 16 पॉइंट्स पहुंचना है, द मैजिक नंबर पहुंचना है, ताकि केकेआर के साथ उनको जूझना ना पड़े लास्ट प्ले ऑफ स्पॉट के लिए. SRH of course काफ़ी ही अच्छी परफॉर्म में है, SRH इज़ वन ऑफ द टीम्स दैट आर चेसिंग द लास्ट प्ले ऑफ स्पॉट, लेकिन उनका जो उनके लिए तो काफ़ी ही मुश्किल है. लेकिन वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट दे नीड टू गेट टू गो इन देयर वे इज दिस मैच. एक्चुअली आरसीबी को हरा देंगे तो वन ऑफ द टॉप फोर कंटेंडर्स के खिलाफ उनको एक और जीत मिल जाएगी, शायद वो एक और स्टेप आगे ले लेंगे. अगर KKR अगले मैच हार गए बुरी तरीके से, KSIP हार गए अगले बुरी तरीके से, देन दे स्टिल हैव अ चांस to get through अच्छे net run rate से. एंड उनकी net run rate तो पिछले मैच में तो काफ़ी अच्छी तरीके से उनको effect हुआ गया, 88 रन से जीते थे पिछले मैच उन्होंने SRH. तो इस तरीके से they've built up quite well, लेकिन उनको अभी भी playoff में घुसने के लिए outside chance बोल सकते हैं. RCB वैसे नहीं, RCB proper driver's seat में है, they need just 2 points. अगर 2 point मिल गए ये मैच में, अगर एक जीत मिल गया ये मैच में, तो वो 16 points पहुँच जाएंगे एंड थ्रू हो जाएंगे. अगर नहीं तो उनके नेट रन रेट की वजह से ये सिचुएशन हो सकता है कि जिस तरीके से भी उनका नेक्स्ट मैच का रिजल्ट चले जाए, दे विल नीड अ फेवरेबल रिजल्ट फ्रॉम द अदर मैचेस टू गेट देम थ्रू. आई एम श्योर विराट कोहली वुड नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट अपॉन अदर टीम्स. प्लेयर्स की बात चल रही है, राशिद खान की बात चल रही है, एबी डिविलियर्स की बात चल रही है, तो फटाफट से डालेंगे नजर स्टार प्लेयर्स पर. बात करते हैं रोहित, साहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है SRH के लिए, स्पेशली एट द टॉप ऑर्डर. क्या लगता है कितना बड़ा इंपैक्ट जो है साहा डालेंगे आरसीबी पर? विद्यमान साहा का परफॉर्मेंस जो है कोई भी कैप्टन के लिए वो बहुत ही एंकरेजिंग परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि उन्होंने जॉनी बेस्टो को रिप्लेस किया. जॉनी बेस्टो एंड डेविड वॉर्नर का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो इतना ब्लॉकबस्टर टाइप का एक ओपनिंग पार्टनरशिप था SRH के लिए, वो ब्रेक किया उन्होंने, एंड देन ही एंडेड अप परफॉर्मिंग सो वेल दैट ही बिकेम द मैन ऑफ द मैच इटसेल्फ. उस तरीके का परफॉर्मेंस इज एग्जैक्टली वॉट एनी कैप्टन वुड बी ड्रीमिंग ऑफ. तो सर्टनली इफ यू वी डोंट नो हाउ वॉट एक्सटेंट जॉनी बेस्टो विल बी आउट, कब तक वो बाहर रहेंगे, क्या उनको अगले मैच के लिए वापस ले सकते हैं कि नहीं, कब तक फिट है, उनका फॉर्म भी इतना कुछ खास नहीं रहा है दिस सीजन. तो इफ साहा इज बैक इन, साहा इज अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन आईपीएल. वो टेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट में विकेट कीपर है, टेस्ट स्पेशलिस्ट होकर खेलते हैं इंडिया के लिए, इसलिए लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि वो कितना पोटेंट बैट्समैन है T20s में. वी हैव सीन हिम स्कोरिंग सम ब्रिलियंट सेंचुरीज इन द IPL, सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर. तो अगर बेस्टो को बाहर बैठना पड़ा फॉर्म से या इंजरी से या कुछ भी, वॉर्नर वुड नॉट बी टू वरीड, बिकॉज इन साहा ही इज़ गॉट अ वेरी ही इज़ गॉट अ प्रूवन परफॉर्मर, एंड उन्होंने वही दिखाया पिछले मैच में. Rohit, who according to you will be the top scorer for this match and the leading wicket taker? Again, quite difficult to pick a top run scorer. इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं दोनों दोनों टीम्स में.
I'm just going by what I would like to see, to be honest. We have to be impartial as journalists, but still, I would like to see AB de Villiers performing well. AB de Villiers, when he performs well, you just want to just sit down and watch it. Everyone will remember when World Cup ke time pe unhone India ko dhoya tha Mumbai mein, and Wankhede Stadium was chanting for de Villiers as if he's an Indian batsman, as if he's a Mumbai Indians batsman. Wo effect hoti hai unki. To is dono teams mein kaafi achhe performances. There's David Warner, Devdutt Padikkal, of course, Virat Kohli, AB de Villiers. You really can't pick anyone before the match, but I would like to see de Villiers performing well. As far as bowlers are concerned, Rashid Khan दिखा चुके हैं वो कितना dangerous हो सकते हैं. पता नहीं वो सबसे ज़्यादा विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर बनेंगे कि नहीं, लेकिन सर्टनली ही विल बी प्रॉब्ली द लोएस्ट रन गिवर इन द मैच. ही इज़ अ प्राइम कैंडिडेट टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर. देन अगेन देयर इज जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, यू नो, डर्थ ऑफ टैलेंट इन बोलिंग इन दीज टू लाइनअप्स, बट आई विल जस्ट गो विद राशिद खान. So, रोहित, ये वो वक्त है जब मैं मेगा क्वेश्चन पुट करूंगी मैच 52 के लिए. जी हाँ, मैच 52 जो होने वाली है आमने सामने की टक्कर हैदराबाद और बैंगलोर में, कौन है आपके लिए आपकी हॉट फेवरेट, हु विल विन? वेल, आरसीबी सर्टनली ड्राइवर सीट में है प्लेऑफ स्पॉट के लिए, लेकिन इस मैच में आई जस्ट गो विद एसआरएच. प्रेशर काफ़ी कम है उनके ऊपर, दे आर काइंड ऑफ प्लेइंग विदाउट एनीथिंग टू लूज. उनको, जैसे मैंने कहा कि उनको प्लेऑफ में घुसने के लिए एक आउटसाइड चांस है अभी भी. आरसीबी की वैसे बात नहीं, आरसीबी के ऊपर प्रॉपर प्रेशर है, एंड वी हैव सीन आरसीबी ओवर द ईयर्स, ऑल्दो दिस आरसीबी टीम इज मच बेटर देन जो प्रीवियस टीम्स के प्रीवियस ईयर्स के आरसीबी टीम्स थे, लेकिन स्टिल हमने देखा है कि आरसीबी जब प्रेशर आता है आरसीबी कभी कभार स्टम्बल कर जाते हैं. एसआरएच के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज. बहुत ही मुश्किल है उनको पहुंचना, तो शायद वो फ्रीली खेल ले और शायद वो आरसीबी को ब्लो अवे कर दे. तो आई एम गोइंग विद एसआरएच. थोड़ा सा अलग सा चॉइस है ये, आई नो, बट आई एम स्टिकिंग विद एसआरएच फॉर दिस मैच. तो व्यूअर्स, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित का कहना है, जी हाँ, जो सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं उनका ये मानना है, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि मैच 51, मुंबई के फैंस आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि मैच 51 होने वाला है मुंबई इंडियंस की बाजी, वहीं मैच 52 होगा एसआरएच के नाम. तो जी हाँ, अपनी फेवरेट टीम्स को जीते हुए देखने के लिए जरूरी है कि आप मैचेस को मिस ना करें. मेरे शो को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि मैं आऊँगी मैच 53 की प्रेडिक्शन के साथ. तब तक के लूँगी आप सभी से अलविदा. माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये नोटिफिकेशंस जल्दी चाहिए, वक्त से पहले चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा INS का चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा.